स्वर्गवासी माँ का जादुई लहंगा। बहुत समय पहले की बात है, किशोर नगरी में सुनीता नाम की लड़की रहा करती थी, जो दिखने में बहुत बदसूरत थी लेकिन दिल की बहुत साफ थी। सुनीता के पिता सुरेश ने अपनी बीवी के गुजर जाने के बाद अपनी बेटी के पालन पोषण के लिए एक रंजना नाम की औरत से शादी कर लेता है। रंजना एक बहुत चालाक औरत थी और साथ ही साथ घमंडी औरत भी थी। उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। रंजना शादी के बाद कुछ महीनों तक सुनीता का खूब ख्याल रखती है, बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह। लेकिन शादी के 11 महीने पूरे होने पर रंजना अपनी एक सुंदर और प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम नेहा रखती है। रंजना अपनी बेटी का खूब ख्याल रखती और पूरा पूरा दिन अपनी बेटी नेहा के साथ निकाल देती। वहीं दूसरी तरफ पास में खड़ी सुनीता इस रवैया को देखकर उदास हो जाती, लेकिन इस उदासी से भी रंजना के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। रंजना सिर्फ अपनी सगी बेटी पर ही ध्यान देती और सुनीता को बिल्कुल ही पराया कर देती। जैसे ही सुरेश काम पर से घर आया करता, रंजना उसके सामने उसकी बेटी से बहुत प्यार करके दिखाया करती। लेकिन जैसे ही सुरेश घर से चला जाया करता, उसके बाद रंजना सुनीता से ढेर सारा काम करवाती और काम करवाने के बाद रूखी सूखी रोटी देकर उसे खाने को कहती। अपनी सौतेली माँ के डर से सुनीता चुपचाप वो रोटियाँ खा लेती। रंजना अपनी बेटी नेहा का खूब ख्याल रखती और उसे लाड प्यार करती, और वहीं दूसरी तरफ सुनीता को बहुत डांटती और फटकारती, जिस वजह से सुनीता के मन में डर भर जाता है और वो अपने पिता को कुछ नहीं बता पाती। ऐसे ही कुछ सालों तक चलता रहता है। अब नेहा भी बड़ी हो जाती है और सुनीता नेहा से 5 साल बड़ी होती है। नेहा और सुनीता दोनों जब बाहर खेला करती तो आस पड़ोस के लोग सुनीता का रंग देखकर खूब मजाक उड़ाया करते। सुनीता दिल की बहुत अच्छी थी, जिस वजह से वो किसी की भी बातें अपने दिल पर नहीं लेती थी और ना ही उसे किसी बात का बुरा लगता था। लेकिन जब सुनीता की सौतेली माँ और सौतेली बहन उसे डांटती फटकारती थी या बुरा भला कहती थी, तो उसे उनकी बातें बहुत बुरी लगती, जिसकी वजह से वो पूरा पूरा दिन खाना नहीं खाती और पूरा दिन अपनी माँ की तस्वीर लेकर बहुत रोती। एक दिन की बात है, जब सुनीता को अपनी पेंसिल नहीं मिलती तो वो नेहा के बैग से उसके पेंसिल निकाल लेती है, जो दिखने में बहुत सुंदर और महंगी होती है। जैसे ही सुनीता वो पेंसिल लेकर अपनी कॉपी में काम करने लगती है, तभी वहाँ पर नेहा आ जाती है और अपनी सुंदर और महंगी पेंसिल सुनीता के हाथ में देखकर उसको जोर से एक थप्पड़ लगाती है और कहती है, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछे मेरी पेंसिल लेने की और मेरा बैग खोलने की? तुझे कितनी बार समझाया है, अपने मनहूस हाथों से मेरे किसी भी सामान को टच मत किया कर। तुझे जो चीज चाहिए वो अपने पापा से मांग लिया कर, मेरे सामान से कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरी पेंसिल नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारे बैग से तुम्हारी पेंसिल निकाल ली। तुम्हारे पास ढेर सारी पेंसिल है, अगर मैंने तुम्हारी एक पेंसिल ले भी ली तो इसमें क्या हो गया? और तुमने मुझे बेफालतू में थप्पड़ क्यों मारा? तुम्हें तो एक बार कह देने पर पूरी ज्योमेट्री बॉक्स मिल जाती है, मुझे तो कोई एक पेंसिल तक नहीं दिलाता, क्योंकि माँ ना तो मुझसे प्यार करती है और ना ही मेरी देखरेख। तेरी माँ जहाँ पर भी है उन्हें बुला ले, क्योंकि मेरी माँ तेरी देखरेख क्यों करेगी? वो मेरी माँ है, वो मेरा ख्याल रखेगी, समझी? काश मेरे बस में होता मेरी माँ को वापस बुलाना। सुनीता के इतना कहती ही नेहा जोर जोर से आवाज लगाती है, माँ इधर आओ माँ, इस काली कलमूही ने मेरे बैग में से मेरी इतनी महंगी पेंसिल निकाल ली, वो भी मुझसे बिना पूछे। इस काली मनहूस ने तो मेरी और मेरी बच्ची की जिंदगी में ग्रहण लगा कर रखा है। सुनीता तुझे बहुत शौक है ना अपनी पढ़ाई करने का, तो अब मैं तेरे इस पढ़ाई के शौक को जरूर पूरा करूंगी। जब देखो पढ़ती रहती है और कुछ चाहिए होता है तो बिना पूछे मेरी बेटी का सामान ले लेती है। चल आज मैं तेरी तबीयत ठीक कर देती हूँ, ताकि जिंदगी भर पढ़ने के बारे में नहीं सोचेगी। माँ मुझे छोड़ दो माँ, इस तरीके से मुझे मत मारो। माँ काश मेरी माँ जिंदा होती तो वो आज ये दिन ना आने देती। मुझे छोड़ दो माँ प्लीज, माँ बहुत तकलीफ हो रही है। माँ मैंने पहली बार देखा है कि कोई बच्चा पढ़ना चाहता है और उसकी माँ उसे बेहिसाब मारे जा रही है। सही कहते हैं, सौतेली माँ कभी सगी माँ नहीं बन सकती। एक तो गलती करती है, ऊपर से जुबान लड़ाती है। रुक मैं तेरे को अभी ठीक करती हूँ। हर बार की तरह सुनीता का मुंह बंद कर उसकी सौतेली माँ उसे कमरे में भेज देती है। और ऐसे ही आए दिन सुनीता को बुरी भली बातें सुननी पड़ती और साथ ही बेवजह पिटना भी पड़ता। इन सब की वजह से सुनीता अपनी जिंदगी में चैन से 2 पल की सांस तक नहीं ले सकती थी। रोते रोते सुनीता सो जाती है और सुबह होती है। सुनीता, अरे ओ सुनीता, अभी तक उठी नहीं?
मुझे पता है देर रात तक तूने आराम फरमाया है, लेकिन अभी भी सोने के नाटक कर रही है। चल जल्दी उठ और घर के सारे काम संभाल। आज हमें घूमने जाना है और सारे काम तुझे ही निपटाना है, मुझे नहीं पता कैसी भी कर तू ये सब। सुनीता पूरे घर में साफ सफाई कर रही होती है, लेकिन अपनी माँ की आवाज़ सुन नहीं पाती। और फिर जैसे ही उसके पास थोड़ी बहुत आवाज आती है, वो भाग भाग कर अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ मैं आपकी पूरी बात नहीं सुनी। मैंने सुना कि आप घूमने जा रही हो, आपके साथ नेहा भी जा रही है क्या? माँ और मैं दोनों ही घूमने जा रहे हैं। तुझे हमारे घूमने से क्या मतलब? तुझे तो वैसे भी घर में रहकर सारे काम करने हैं, सफाई से लेकर खाना बनाने तक। तुम्हारी जिंदगी अच्छी है, तुम चैन और आराम से जी रही हो, साथ में तुम्हें घूमने फिरने को भी मिलता है। एक मेरी फूटी किस्मत है, ना तो मुझे कोई पूछता है और ना ही मेरे पास कोई ऑप्शन होता है। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद पिताजी घर पर आएंगे, तब मैं उनसे कह दूंगी, वो मुझे घुमा लाएंगे। हाँ हाँ, तेरे पिताजी जैसे आएंगे और मैं तुझे घूमने जाने दूंगी। तुझे पता है पैसे कितने मुश्किल से कमाते हैं, वो मैं तेरे पर बेवजह खर्च नहीं करने दूंगी। रही बात घूमने की, तो जरूरत क्या है, तू घर के काम संभाल। तेरे इस मनोज चेहरे को देखकर लोग तुझसे डरते हैं। दोनों माँ बेटियाँ शॉपिंग करने और घूमने फिरने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुनीता अपना छोटा सा मुंह लेकर घर के सारे काम करने लग जाती है। सुनीता को हमेशा से ही घूमने फिरने का बहुत शौक था, लेकिन उसकी सौतेली माँ कभी भी उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होने देती थी और हर जगह खड़ी हो जाती थी। ऐसे ही सुनीता सारे काम अपने निपटाने के बाद आराम से कपड़े धोने लगती है। कुछ कपड़ों में रंग निकल रहा होता है। इन बातों से बेखबर सुनीता चुपचाप मशीन में सारे कपड़े भर देती है और धोने के लिए लगा देती है। एक कपड़ा रंग में खराब हो जाता है। जितने सफेद कपड़े होते हैं सभी कपड़ों में रंग लग जाता है। सुनीता बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी जल्दी उन्हें साफ करने लगती है। बहुत ज्यादा रगड़ने के बाद भी रंग नहीं निकलता। जैसे ही उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन घूम फिर कर घर आते हैं, तो घर की छत पर सूख रहे रंग बिरंगे कपड़े देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी नेहा कहती है, अरे माँ देखो मेरा सफेद गाउन इसने धोया, और देखो इसमें सफेद रंग तो रहा नहीं लेकिन सारे रंग उस पर लग गए। अब मैं इसका वो हाल करूँगी जो इसने कभी सोचा नहीं होगा। नेहा बहुत गुस्से से अंदर जाती है और घर में घुसते ही सुनीता को जोर से आवाज लगाकर बुलाती है। सुनीता डरी डरी बाहर आती है और कहती है, क्या हुआ नेहा, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? मैं काम कर रही थी। हाँ देख ही रहा है वो तो कि तुम बहुत सारे काम कर रही हो। तू तो अच्छे से जानती होगी कि तूने मेरा सफेद गाउन कई रंग में बदल दिया, अब वो कलरफुल गाउन हो गया है। और अब तुझे पता है कि मैं तेरा क्या हाल करूंगी? देखो नेहा, मैंने सारे कपड़े धोए लेकिन मुझे ये बात नहीं पता थी कि इनमें कलर निकलेगा, और गलती से ये कलर लग गया। अब मैं क्या करूं? मैं बहुत ज्यादा रगड़ी लेकिन कपड़े साफ ना हुए, इसमें मेरी क्या गलती है? तुझे क्या पता था कि कितना महंगा गाउन था वो? तूने तो एक बार में मशीन में डाल दिया धोने को और उसके बाद छुट्टी, लेकिन इतना महंगा गाउन तूने कभी देखा है? अब मैं तेरा वो हाल करूंगी जो तू जिंदगी भर नहीं भूलेगी। अपनी सौतेली माँ की भी बातें सुनकर सुनीता डर जाती है, और तभी उसकी सौतेली माँ उसके पास आती है और उसको मारने लग जाती है। वही नेहा भी उसको खूब मारती है। दोनों माँ बेटियाँ खूब मारती है और सुनीता के नाजुक शरीर पर ढेर सारी चोट लग जाती है, जिसके बाद वो दोनों माँ बेटियाँ उसको वहीं छोड़कर चली जाती है। सुनीता लंगड़ाती हुई अपने कमरे में पहुँचती है और अपनी माँ की फोटो देखकर कहती है, माँ मेरे पास वापस आ जाओ। माँ आपके बिना इस दुनिया में मेरी कोई इज्जत नहीं करता, सभी मुझे बहुत मारते पीटते हैं, और साथ ही साथ सौतेली माँ और सौतेली बहन तो मुझे बात बात पर सुना देते हैं। आज तो हद ही हो गई, सिर्फ एक गाउन खराब होने की वजह से उन्होंने मुझे इतना मारा कि मेरे शरीर पर ढेर सारी चोटें आ गई। अब आप ही बताओ माँ इसमें मेरी क्या गलती थी? माँ इतना अत्याचार सह रही है आपकी बेटी, मेरे बारे में ही सोचकर मेरे पास आ जाओ माँ, अब बहुत हो गया, मैं अपनी जिंदगी ऐसे नहीं जी सकती। दर्द में जोर जोर से रो रही अपनी बेटी को देखकर सुनीता की माँ से रहा नहीं जाता। सुनीता की माँ की फोटो से आवाज आती है, मेरी प्यारी सुनीता बिटिया, तुझे रोने की जरूरत नहीं है, तू आराम से रह। और मैं तुझे सामने आकर तो नहीं समझा सकती, लेकिन तू सिर्फ मेरी बातें ध्यान से सुन। मेरी शादी का बहुत पुराना लहंगे का जोड़ा घर की अलमारी में रखा है, तू जाकर उस अलमारी को खोल और वो जोड़ा पहनकर शीशे के सामने खड़ी हो जा। लेकिन उस लहंगे के जोड़े को पहनकर क्या होगा? माँ मेरी इतनी सारी चोटें लगी है,
मैं उस लहंगे को कैसे पहनूंगी? बेटा अपनी माँ पर विश्वास रख, मैं तेरे लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। बस मैं कुछ समय के लिए ही तुझसे बात कर सकती हूँ, क्योंकि भगवान ने बड़ी मुश्किल से मुझे यहाँ भेजा है। सुनीता भाग कर जाती है और घर की अलमारी से वो लहंगे का जोड़ा उठा कर ले आती है। तभी सुनीता की माँ की फोटो से फिर आवाज आती है, सुनीता बेटी ये लहंगा कोई मामूली लहंगा नहीं है, ये एक जादुई लहंगा है जो जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। आज तुम बहुत मुसीबत में हो इसलिए मैं तुम्हारे सामने आ सकी, लेकिन इस लहंगे के बारे में मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये लहंगा किसी और के बोलने पर कोई भी काम नहीं करेगा, लेकिन जब जब तुम ये लहंगा पहनकर अपनी इच्छा मांगोगी तो ये तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा, चाहे वो खाने की चीज हो या फिर पहनने की या फिर घूमने की। और इतना ही नहीं बल्कि तुम इस लहंगे को जिस दिन पहनोगी तुम उसी दिन बहुत साफ सुथरी और बहुत सुंदर दिखने लगोगी। तुम्हें अब किसी से झुक कर रहने की जरूरत नहीं है, तुम अपने इस लहंगे की मदद से अपने हर काम कर सकती हो, और ये लहंगा तुम्हें दूसरों के अत्याचारों से भी बचाएगा। ये सारी बातें बताने के बाद उसकी माँ वहाँ से चली जाती है और वो फोटो पहले की तरह शांत हो जाती है। अपनी माँ के जाते ही सुनीता तुरंत ही वो जादुई लहंगा पहनती है। लहंगा पहनते ही सुनीता बहुत सुंदर और साफ सुथरी दिखने लगती है, साथ ही उसके शरीर पर लगी चोट ठीक हो जाती है। सुनीता ये सब देखकर बहुत खुश होती है। फिर सुनीता अपने लहंगे से अपनी एक एक बात कहकर मनवा लेती है। सुनीता अपनी जादुई लहंगे के साथ अपनी हर बात शेयर करती और जादुई लहंगा उसकी हर इच्छा को पूरा करता। इसके चलते सुनीता अपने जादुई लहंगे के साथ बहुत खुश होती है। लेकिन जैसे ही उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उसे इतना सुंदर और साफ सुथरा देखती हैं, तो दोनों ही चौंक जाती हैं। अरे ये अचानक इतनी साफ सुथरी सुनीता हमारे सामने कैसे खड़ी है, और तुझे हमसे डर नहीं लग रहा? जाकर अपने काम निपटा। मैंने सारे काम पूरे कर दिए हैं और साथ में आपके लिए खाना भी बना दिया है। रही बात मेरी सुंदरता की, तो वो मेरे जादुई लहंगे का कमाल है जो मुझे मेरी माँ ने दिया है। दोनों सौतेली माँ बेटी ये बात सुनकर अपने मन में खिचड़ी बनाते हैं कि उन्हें भी वो जादुई लहंगा चाहिए, ताकि वो भी अपने काम करवा सके, और दोनों ही उसके बातें सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद कमरे में पहुँच जाने के बाद नेहा अपनी माँ से कहती है, माँ कैसे भी करके हमें उसका जादुई लहंगा चुराना होगा, ताकि वो लहंगा हमारे भी बहुत सारे काम करे और मैं दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन जाऊँ। ठीक है बेटी, आज रात को उसको सोने दो, उसके बाद हम उसका लहंगा चुराकर अपने कमरे में ले आएंगे। दोनों माँ बेटियाँ चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और खाना पीना खाकर सोने की तैयारी करने लगती है। सुनीता भी हमेशा की तरह अपने कमरे में जाती है और वहाँ जाकर सो जाती है। सुनीता के सोते ही दोनों माँ बेटियाँ आती है और उसका लहंगा चुराने लगती है और अपने कमरे में ले जाने लगती है। तभी लहंगे में से दो डंडे निकलते हैं और दोनों माँ बेटियों को खूब मारते हैं। माँ मुझे बचाओ माँ, ये लहंगा तो मुझे बहुत मार रहा है। हे भगवान, सुनीता जल्दी उठो, तुम हमें इस लहंगे से बचाओ, ये तो हम दोनों को इतना मार रहा है कि कोई लिमिट ही नहीं है। जोर जोर से पिटने की आवाज सुनकर सुनीता फट से उठ जाती है और देखती है कि दोनों माँ बेटियाँ पिट रही है। ये सब देखकर सुनीता समझ जाती है कि इन्होंने जरूर लहंगे को चुराने की कोशिश करी होगी। तभी सुनीता कहती है, देखो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था नेहा, ये लहंगा सिर्फ मेरे लिए काम करेगा, कोई भी इसे चोरी नहीं कर सकता, और मुझे यकीन है कि तुमने इसे टच किया होगा या फिर चोरी करने की कोशिश करी होगी, तभी ये लहंगा तुम्हें मार रहा है। अब दोनों माँ बेटियाँ समझ जाती है कि वो जादुई लहंगा कभी भी उनके हाथ नहीं लगेगा और न ही वो उस लहंगे के फायदे उठा सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ सुनीता माँ के दिए हुए लहंगे से अपनी जिंदगी आराम से जीने लगती है। अब उसे किसी बात का कोई डर नहीं होता। ऐसी ही एक दिन की बात होती है जब घर में सिर्फ उसकी सौतेली माँ होती है और सुनीता होती है। सौतेली माँ अचानक ही सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उसे बचाने वाला कोई नहीं होता। सुनीता ये सब देखकर घबरा जाती है। तभी सुनीता अपनी जादुई लहंगे से कहकर अपनी सौतेली माँ की चोट को ठीक करवाती है। हे जादुई लहंगे, मेरी सौतेली माँ की चोट को ठीक कर दो, ये अचानक से गिर गई, ये अब बुजुर्ग हो गई हैं, इनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। चाहे बेशक इन्होंने मेरे साथ कितना गलत किया हो, लेकिन आज घर में कोई नहीं है जो इनका ख्याल रख सके, इसलिए आप मेरे लिए इनकी चोट ठीक कर दीजिए। सुनीता की बातें सुन रही सुनीता की सौतेली माँ मन ही मन सोचती है, मैं और मेरी बेटी ने इसके साथ कितना बुरा किया,
लेकिन आज मेरी चोट लगने पर मेरी अपनी बेटी घर पर नहीं है और इसने मेरा साथ दिया। चाहती तो ये मुझे ना बचाती, लेकिन इसने मुझे बचा लिया। जादुई लहंगे की मदद से सुनीता की सौतेली माँ ठीक हो जाती है। सौतेली माँ ठीक होती ही सुनीता से कहती है, सुनीता तुमने मेरे लिए आज जो किया है वो कोई नहीं कर सकता था। तुमने अपनी जादुई लहंगे की मदद से मुझे ठीक कर दिया। अगर आज तुम ना होती तो मैं दर्द में यहीं पड़े पड़े मर जाती। लेकिन मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है तो तुम अपनी सौतेली माँ को माफ कर दो और मेरे साथ हंसी खुशी रहने लगो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अब तुम्हारे साथ कभी भी गलत बर्ताव नहीं करूँगी। मुझे मेरी गलती का एहसास है, मुझे माफ कर दो बेटी। अपनी सौतेली माँ को इस हालत में देखकर सुनीता उसे तुरंत माफ कर देती है और उन्हें गले से लगा लेती है। माँ मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप सौतेली माँ नहीं बल्कि सगी माँ की तरह मेरे साथ व्यवहार करें, और इससे बढ़कर मेरे लिए क्या होगा। अब सब कुछ ठीक हो जाता है। सुनीता अपनी सौतेली माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है, साथ ही उसकी सौतेली बहन भी सुधर जाती है। अब सब कुछ अच्छा हो जाता है। सुनीता के लिए सब कुछ बहुत अच्छा होने लगता है और अब सुनीता के पास कोई कमी नहीं होती। वो अपनी हर जरूरत पूरी करने के लिए उसके पास जादुई लहंगा होता है और अब उसको अपनी माँ भी मिल जाती है। बहुत समय पहले की बात है, जब इस पूरी दुनिया में सभी लोग हंसी खुशी से रह रहे थे, उस समय दुनिया में कहीं भी बुराई नहीं थी। लोग एक दूसरे की मदद करते थे और हंसी खुशी एक साथ रहते थे। जैसे जैसे लोगों का विकास होता गया, कुछ लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए और कुछ लोग अपनी जिंदगी में पीछे रह गए। आगे बढ़ने वाले लोग और आगे बढ़ना चाहते थे, इसलिए वो लोगों की मदद करना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे करके बुराई बढ़ने लगती है और लोगों में ईर्ष्या और भेदभाव की भावना पैदा हो जाती है। तभी गरीब लोगों की मदद करने के लिए परियों ने हमेशा अपने आप को आगे रखा, परंतु बुराई को भी आगे बढ़ाने के लिए चुड़ैलों ने जन्म लिया और बुराई को आगे बढ़ाया। ये कहानी उस समय की है जब चुड़ैल लोग और परी लोग के बीच में घमासान युद्ध होता है। सभी परियों की जीत होती है, परंतु चुड़ैल परी लोग से बहुत सारा सामान चुरा कर दुम दबा कर भाग जाती है। चुड़ैल के हिस्से में बहुत सी चीजें आ जाती है, परी तारे का एक तिहाई हिस्सा और परियों की कुछ जमीन, जिस पर चुड़ैल अपना राज चलाने लगती है और वहाँ पर हमेशा अंधेरा रहता है। चुड़ैल को उजाला बिल्कुल पसंद नहीं होता, इसलिए वो चाहती थी कि पूरी दुनिया पर अंधेरा कायम रहे। इन परियों की वजह से मैं हमेशा अपने काम में फेल हो जाती हूँ, परंतु आखिर ऐसा कब तक होगा? मुझे बहुत तपस्या करनी होगी और बहुत सारी शक्तियाँ हासिल करनी होगी, उसके बाद ही मैं इन परियों का सामना कर सकती हूँ। मुझे इस काले लहंगे की शक्तियों को बढ़ाना होगा, परंतु इसके लिए मुझे पृथ्वी से एक मासूम और ईमानदार लड़की की जरूरत होगी, वही मेरी मदद कर सकती है, मुझे देखना होगा। चुड़ैल चाहती थी कि वो पूरी पृथ्वी के साथ साथ परीलोक पर भी कब्जा कर ले और हर जगह अंधेरा कायम कर ले, परंतु चुड़ैल की शक्तियाँ अभी कमजोर थी और वो उन्हें आगे बढ़ाना चाहती थी। चुड़ैल के पास एक बुराई का लहंगा था, परंतु चुड़ैल उसका प्रयोग करना नहीं जानती थी, इसलिए वो बहुत दिनों तक तपस्या करती है। तब उसे पता चलता है कि उस बुराई के लहंगे की शक्तियों को केवल एक मासूम और ईमानदार लड़की ही इस्तेमाल कर सकती है, तभी उस लहंगे की शक्तियाँ बाहर आएंगी, नहीं तो वो लहंगा एक आम लहंगा रह जाएगा। चुड़ैल ने हमेशा उस लहंगे को अपनी गुफा में रखा और वो पृथ्वी लोक पर एक समझदार ईमानदार लड़की की तलाश में घूम रही थी। पृथ्वी पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम उमरान था। इस गांव में एक पूजा नाम की लड़की रहती थी। पूजा का एक शोरूम था जिसमें वो सुंदर सुंदर कपड़े बेचती थी। पूजा एक बहुत अच्छी दुकानदार थी। पूजा की दुकान पर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे। तभी वो चुड़ैल पूजा की दुकान के सामने से गुजर रही होती है। पूजा की दुकान पर सुंदर सुंदर कपड़े देखकर चुड़ैल उस दुकान के अंदर आती है और कहती है, सुनो लड़की, तुम्हारा शोरूम तो बहुत अच्छा है,
तुम्हारे कलेक्शन भी बहुत अच्छे हैं। क्या तुम मेरे लिए कोई बढ़िया सी ड्रेस दिखा दोगी? चुड़ैल बहुत ज्यादा डरावनी थी और दिखने में भयंकर लग रही थी। पूजा चुड़ैल को देखकर डर जाती है और डरते हुए कहती है, मुझे माफ कीजिए, परंतु आपने ये अपना क्या भेष बना रखा है? आप कितनी डरावनी लग रही हैं। आप हमारे शोरूम में देख लीजिए, आपको जो ड्रेस पसंद आए आप खरीद सकती हैं। उसके बदले आपको मुझे पैसे देने होंगे। तुम तो बहुत बदतमीज लड़की हो जो मुझसे इस तरह से बात कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मेरा नाम कायरा है और मैं यहाँ पर कपड़े खरीदने आई हूँ, समझ गई? अगर तुम अपनी खैरियत चाहती हो तो मुझे जल्दी से अच्छे अच्छे ड्रेस दे दो। पूजा चुड़ैल की इतनी मोटी और भारी आवाज सुनकर बहुत डर जाती है और वो डरते डरते चुड़ैल को अपने शोरूम की ड्रेस दिखाने लगती है। चुड़ैल को बहुत सारी ड्रेस पसंद आ जाती है और वो उन सभी ड्रेस को ले लेती है। चुड़ैल उन ड्रेस को ट्रायल रूम में पहनकर देखती है। चुड़ैल उन कपड़ों में बहुत खूबसूरत लगने लगती है। अरे वाह, कमाल हो गया। वाकई में तुम्हारी दुकान पर बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस है। मुझे तुम्हारे ये कलेक्शन देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी बाकी के दोस्तों को भी तुम्हारे इस शोरूम में जरूर भेजूंगी। अच्छा ठीक है, तो मैं चलती हूँ। ये सारी ड्रेस मुझे दे दो। ये सारी ड्रेस तो मैं आपको दे दूंगी, लेकिन इन सब के पैसे लगेंगे। आपके पास पैसे तो है ना? तू जानती नहीं लड़की किससे बात कर रही है? लगता है तुझे मेरे बारे में कुछ पता नहीं है। मैं एक बहुत शक्तिशाली चुड़ैल हूँ। अगर तूने मुझसे एक बार और पैसे मांगे तो मैं अभी काला जादू करके तेरी ये पूरी दुकान खत्म कर दूंगी, समझ गई? चुड़ैल का इतना कहने के बाद पूजा बहुत डर जाती है और वो अपने मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकालती। परंतु वो सारे ड्रेस लेकर चुड़ैल बहुत खुश थी, इसलिए चुड़ैल पूजा को अपने सर का ताज उतार कर दे देती है। सुनो लड़की, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपना ये ताज दे रही हूँ। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम इस ताज से मांग सकती हो। ये बहुत शक्तिशाली है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो जब मैं अगली बार आऊंगी तो तुम्हें पैसे दे दूंगी। तब तक के लिए तुम ये रख लो, जो मैंने खास परिलोक से चुराया था। चुड़ैल वो ताज देकर वहाँ से चली जाती है और बेचारी पूजा वो ताज लेकर सोचती रहती है कि आखिर वो इस ताज का क्या करे। हे भगवान, ये चुड़ैल मुझे क्या देकर चली गई है? आखिर इस ताज का मैं क्या करूं? चुड़ैल तो कह रही थी कि मैं इसे कुछ भी मांग सकती हूं, परंतु मैं इसे कुछ भी कैसे मांगूं? इसका इस्तेमाल करने के लिए कौन सा मंत्र है? पूजा को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो उस ताज का इस्तेमाल कैसे करे। तभी पूजा को 3-4 मंत्र याद होते हैं। पूजा वो 3-4 मंत्र बोलती है। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। अरे इसमें से तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। जिंगा लाला हु हु, जिंगा लाला हु हु। ओहो भगवान, इस ताज का मैं इस्तेमाल कैसे करूं? ऐसा कौन सा मंत्र बोलूं जिससे मैं इस ताज का इस्तेमाल कर पाऊं? अरे हाँ, मुझे एक और मंत्र याद आया जो मेरी माँ ने मुझे बचपन में बताया था। आबरा का डाबरा, जल्दी से अपना जादू दिखाओ। जैसे ही पूजा इतना बोलती है, उस ताज के अंदर से रोशनी निकलने लगती है और वो ताज चमकने लगता है। तभी पूजा को समझ आ जाता है कि अब ताज का इस्तेमाल किया जा सकता है। तभी पूजा उस ताज से बहुत सारी सुंदर सुंदर ड्रेस मांगती है और पूजा के कहे अनुसार वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस आ जाती है। ऐसी ड्रेस पूजा ने पहले कभी नहीं देखी थी। इतनी सुंदर ड्रेस देखकर पूजा बहुत खुश हो जाती है और उन सभी ड्रेस को अपने शोरूम पर लगा देती है। ड्रेस को शोरूम पर लगाने के बाद ही जैसे ही लोग उन ड्रेस को देखते हैं, सभी लोग पूजा की दुकान में घुसने लगते हैं और कपड़ों को खरीद लेते हैं। पूजा की बहुत अच्छी खासी कमाई हो जाती है और पूजा बहुत खुश हो जाती है। पूजा उस जादुई ताज को अपने पास हमेशा हमेशा के लिए रख लेती है और जब भी उसे जरूरत पड़ती है वो उस ताज का इस्तेमाल कर लेती है। तभी एक दिन दौरे पर चुड़ैल फिर से निकलती है और वो देखती है कि पूजा की दुकान अब बहुत बड़ी हो गई है और उसके पास अब बहुत सारे पैसे भी आ गए हैं। चुड़ैल पूजा की दुकान के अंदर जाती है।
तभी वो देखती है कि ताज तो बहुत चमक रहा है और पूजा उसे बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस मांग रही है। चुड़ैल ने कभी उस ताज का इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि चुड़ैल को उस ताज का इस्तेमाल करने का मंत्र मालूम नहीं था। ए लड़की, मैंने सब देख लिया है कि तुम किस तरह से इस ताज से इतनी सारी ड्रेस ले रही हो। मैं कह रही हूँ जल्दी से ये ताज मुझे वापस कर दो और इसे इस्तेमाल करने का मंत्र मुझे बता दो। नहीं, मैं तुम्हें इस ताज का इस्तेमाल करने का मंत्र कभी नहीं बताऊंगी। मैं जानती हूँ तुम एक बहुत बुरी चुड़ैल हो और तुम इस ताज की शक्तियों का गलत उपयोग करोगी। देखो, अगर तुमने मुझे नहीं बताया इसे इस्तेमाल करने का राज, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारी दुकान को पूरा खत्म कर दूंगी, समझ आई बात? देखो चुड़ैल, तुम कुछ भी कर लो परंतु मैं तुम्हें इसका इस्तेमाल करने का मंत्र नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। अच्छा, लगता है तो तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। पूजा को सबक सिखाने के लिए चुड़ैल पूजा की पूरी दुकान में आग लगा देती है और पूरी दुकान चारों तरफ से जलने लगती है। पूजा किसी तरह से वो ताज अपने हाथ में लेकर दुकान से बाहर आ जाती है और वहाँ से छुपाने के लिए जंगल में भाग जाती है। जब पूजा जंगल में पहुँच जाती है तो चुड़ैल देखती है कि पूजा आसपास कहीं नहीं है। चुड़ैल पूजा को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने लगती है परंतु पूजा उसे कहीं दिखाई नहीं देती। ओह, इस पूजा की बच्ची ने तो मुझे धोखा दे दिया है और वो जादुई ताज को पता नहीं कहाँ चुरा कर भाग गई है। मुझे पता लगाना होगा, नहीं तो ऐसा ना हो वो जादुई ताज वापस परियों के हाथ लग जाए। अगर ऐसा हो गया तो मेरी सारी शक्तियाँ कमजोर पड़ जाएगी और परियां फिर से जीत जाएगी। चुड़ैल पूजा को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमती है और पूजा डर के मारे जंगल के बीचों बीच बैठ जाती है। हे जादुई ताज, आज तुम्हारी वजह से देखो कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ रही है, परंतु मैं तुम्हें उस चुड़ैल के हवाले कभी नहीं करूंगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि इस दुनिया पर चुड़ैल का राज हो। पूजा, शायद तुम नहीं जानती हो, मेरी एक बहुत बड़ी खासियत है, मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता है जिसके मन में छल और कपट हो। तुम एक बहुत ही ईमानदार लड़की हो, इस वजह से तुम मुझे इस्तेमाल कर सकती हो, परंतु अब समय आ गया है जब मुझे वापस परीलोक जाना होगा। मैं अभी सभी परियों को यहाँ बुला लेती हूँ, उसके बाद मैं सभी परियों को उनकी शक्तियाँ वापस कर दूंगी और वो परियाँ चुड़ैल को वापस से कैद कर लेंगी। इतना कहने के बाद जादुई ताज अपनी शक्तियों से सभी परियों को अपने सामने प्रकट कर लेता है। परियाँ उस ताज को देखकर बहुत खुश होती है और वो ताज को अपने पास रख लेती है और सभी परियाँ पूजा को धन्यवाद देती है कि उनकी वजह से आज परियों को वापस ताज मिल पाया है। देखिए, आप लोग मुझे धन्यवाद मत कहिए, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि ये ताज कभी भी चुड़ैल के हाथ नहीं लगना चाहिए, नहीं तो वो इस पूरी दुनिया पर राज करेगी और किसी को खुश नहीं रहने देगी। मैं चाहती हूँ आप चुड़ैल को वापस फिर से कैद कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि वो कहीं भाग जाए। नहीं पूजा, ऐसा नहीं हो सकता, चुड़ैल कितनी भी दूर क्यों ना चली जाए, वो हमारी नजर में रहेगी, हम उसे अभी कैद कर लेंगे। परंतु तुमने हमारी मदद की है, इसलिए हम तुम्हें वो जादुई काला लहंगा देना चाहते हैं जो चुड़ैल से वापस हमें मिला है। तुम ये लहंगा रख लो, इस लहंगे की मदद से तुम हमेशा खुश रहोगी। तुम्हें जब भी किसी चीज की आवश्यकता हो तो तुम इस लहंगे से मांग सकती हो। क्या सच में मैं इस लहंगे से नई और खूबसूरत डिजाइन के लहंगे भी मांग सकती हूँ? हाँ पूजा, तुम इस काले लहंगे से कुछ भी मांग सकती हो। इस लहंगे को भी केवल ईमानदार लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तुमने जरा भी छल कपट करने की कोशिश की तो इस लहंगे की शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। नहीं मैं कभी इस लहंगे की शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगी। पूजा परियों को धन्यवाद देती है और वो लहंगा लेकर वापस अपनी दुकान पर आ जाती है और लहंगे से मोल कर अपनी दुकान को फिर से पहले के जैसा कर लेती है और पूजा अपनी दुकान चलाने लगती है। वहाँ परियां चुड़ैल को वापस अपनी जादुई शक्तियों से कैद कर लेती है और फिर से बुराई का खात्मा और अच्छाई की जीत हो जाती है।
एक बार की बात है, ललिता मुंबई शहर के छोटे से बस्ती में रहती थी। ललिता के पिता बस्ती के बाजार में बर्गर का ठेला लगाते थे और बर्गर बेचा करते थे। ललिता भी अपने पिता के इस काम में मदद करती थी। सुबह उठकर ललिता बाजार से बहुत सारे ब्रेड खरीद कर ले आया करती थी और बर्गर बनाने के लिए चटनी बनाकर तैयार कर देती थी। पापा देखो, मैंने बर्गर बनाने का सारा सामान तैयार कर दिया है, अब आप जल्दी से सारा सामान ले जाकर ठेले पर लगा दो। बस खीरा और प्याज काटना रह गया है, वो आप काट लेना। मैंने लाल और हरी दोनों चटनी बना दी है। अरे मेरी लाडली बेटी, सारा काम तो तुमने ही कर दिया है। तुम तो मुझे इस तरह आलसी बना दोगी और एक दिन तुम अपनी ससुराल चली जाओगी और फिर ये सारा काम मुझे अकेले करना पड़ेगा। फिर बताओ, मैं ये सारा काम अकेले कैसे करूँगा। ये बातें कहते हुए ललिता के पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनकी आवाज भारी हो जाती है। ये देखते हुए ललिता की माँ कहने लगती है, ओहो, ये बाप बेटी का प्यार भी ना। तू ही देख ललिता, अपने पिता को बात बात पर भावुक हो जाते हैं। पता नहीं तेरी शादी पर तुझे कैसे विदा करेंगे। अब तू ही अपने पापा को संभाल। माँ पापा, मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। आप जानते हो ना, मैं आप दोनों के बिना नहीं रह सकती हूँ। मुझे शादी वादी नहीं करनी है, मैं आप दोनों के साथ पूरी जिंदगी रहना चाहती हूँ और आपकी मदद करना चाहती हूँ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते हैं। बेटियों को तो एक ना एक दिन ससुराल जाना ही होता है। बेटियां तो पराया धन होती है। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहा हूँ। सारी बातचीत खत्म करने के बाद ललिता के पिता बाजार में ठेला लेकर चले जाते हैं और बर्गर बेचने लगते हैं। बर्गर बहुत स्वादिष्ट होते थे, सारे बर्गर बिक जाते थे। ललिता घर में बड़ी बेटी थी। ललिता का एक 6 वर्ष का भाई भी था, वो स्कूल में पढ़ाई करने जाता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था और एक दिन ललिता के पिता ललिता के लिए लड़का देखने के लिए ग्वालियर जाते हैं और वहाँ ललिता के लिए अच्छा लड़का देख लेते हैं। ललिता के पिता इतना सुशील लड़का देखकर बहुत खुश थे और वो अपनी बेटी के शादी के सपने सजाने लगे थे। वो ग्वालियर से वापस आ रहे थे कि तभी उनकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है और सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। जब ये बात ललिता और उसके परिवार को पता चलती है तो ललिता अपनी माँ के साथ पिता को देखने के लिए अस्पताल पहुँच जाती है। वहाँ पर डॉक्टर ललिता के पिता का इलाज करते हैं और कुछ देर बाद ललिता को उसके पिता से मिलने देते हैं। ललिता के पिता को ज्यादा गंभीर चोटें तो नहीं आई थी, लेकिन उनके हाथ पैर में फ्रैक्चर हो गया था, जिस वजह से उन्हें 2 दिन तक अस्पताल में भर्ती रखना पड़ता है। ललिता रोज अपने पापा के लिए घर से गर्मा गर्म खाना बनाकर लाती है और उन्हें अपने हाथों से खिलाती है। 2 दिन बाद ललिता के पिता को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और वो घर आ जाते हैं। बेटी, अब मैं ठीक हो गया हूँ, बस थोड़ी सी हाथ पैर में दिक्कत है, लेकिन मैं घर के बाहर बर्गर तो बेच ही सकता हूँ। नहीं पापा, आप अब काम नहीं करेंगे। आप घर के खर्चे की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं हूँ ना, मैं बर्गर के ठेले का काम संभाल लूंगी। अब आपको कोई काम नहीं करना चाहिए, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। मैं ललिता की बर्गर बनाने में मदद कर दिया करूंगी, आप अभी आराम करो। हाँ पापा, आपको बस समय पर दवाई खानी है और आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे। जब तक मैं आपका सारा काम संभाल लूंगी। शुक्रिया बेटी, तुमने मुझे बहुत हिम्मत दी है। तुम जब पैदा हुई थी तो मेरी माँ ने मुझे कहा था कि तुम्हारे घर लक्ष्मी आई है और देखो आज मुझे यकीन हो गया है, तुम लक्ष्मी हो। लक्ष्मी ऐसी बेटी बहुत नसीब से मिलती है। पिता की ये सारी बात सुनकर ललिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इसके बाद ललिता अपने पापा के ठेले को घर के बाहर लगाने लग जाती है और वो अपने ठेले पर लिखती है, मुंबई वाले बर्गर। ये देखकर वहाँ पर लोग बर्गर का स्वाद लेने आते हैं और लोगों को बर्गर बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। वो अगले दिन अपने दोस्तों को भी लेकर आते हैं। ऐसे ही ललिता के बर्गर पूरे शहर में फेमस हो जाते हैं और दूर दूर से ललिता के बर्गर लोग खाने आते हैं। ये सब देखकर ललिता और उसकी माँ को बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे करके ललिता के बर्गर सबको पसंद आने लगे। ये सब देखकर ललिता के पिता को बहुत अच्छा लगता है। तुमने अपने सूझबूझ से बर्गर के ठेले को बहुत अच्छे से चलाया है और इस परिवार को बहुत बड़ा सहारा दिया है। पर बेटी, मैं तो तुम्हारी शादी करना चाहता था और मैंने ग्वालियर में तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है। अब मैं ठीक हो गया हूँ, मैं अपने आगे का काम संभाल लूंगा। बेटी, एक पिता का कर्तव्य होता है कि वो समय पर अपनी बेटी के हाथ पीले कर दे।
क्या तुम नहीं चाहती हो कि हम तुम्हारी शादी करवा कर मुक्त हो जाए? ललिता अपने पिता की बातों को मान लेती है और वो ग्वालियर में देखे हुए लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। हाँ पापा, मैं देख रही हूँ आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया है, आप जैसे कहेंगे वैसा ही होगा। और फिर मेरे जाने के बाद आपको ही तो ये काम संभालना है, अब आप अपने काम को संभाल सकते हो। इसके बाद ललिता के पिता उसकी शादी तय कर देते हैं और अगले महीने उसकी शादी होती है। अब ललिता के पिता का ठेला घर के बाहर ही बहुत चलने लगा था। घर के बाहर काफी सारे ग्राहक बर्गर खाने के लिए आते थे और बर्गर की बहुत तारीफ करते थे। ये सब सुनकर ललिता के पिता को और भी ज्यादा प्रेरणा मिलती थी और वो बहुत मन से काम करते थे। धीरे धीरे करके उन्हें शादी पार्टियों के भी ऑर्डर आने लगते हैं और वो अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। शादी का दिन पास आ जाता है और ललिता के पिता ललिता की शादी बहुत धूमधाम से कर देते हैं। ललिता अपने ससुराल जाकर अपना घर परिवार बहुत अच्छे से संभाल लेती है। और यहाँ दूसरी तरफ ललिता के पिता ललिता की शादी के बाद बचे हुए पैसों से अपना घर की मरम्मत करवा लेते हैं और अपने बेटे के साथ आगे का जीवन व्यतीत करते हैं। ललिता कभी कभी घर पर घूमने आ जाया करती थी। ललिता के माता पिता उसे बहुत सारे उपहार देते थे और इस प्रकार पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है।